हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं विजिट कराऊंगा आपको एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट की। और बिल्डर की बात करूं तो पीछे आप मेरे बैक में ही देख रहे हैं डीएलएफ का सेक्टर 86 के अंदर प्रोजेक्ट है, लोकेटेड बाय नेम स्काई कोर्ट, रेडी टू मूव इन, जिसमें फैमिलियाँ रह रही हैं उसकी। और विजिट रहेगी मेन हमारी 84 मीटर से, जो 84 मीटर का रोड मेन कनेक्ट रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आइए इसकी साइड विजिट करते हैं। 3 BHK 1930 का एरिया रहेगा, 3 BHK की हम साइड विजिट करते हैं। मेन 84 मीटर से, 84 मीटर का रोड है मेन कनेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो मैं आपको बिल्डर के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, गुड़गांव के अंदर यदि मैं डीएलएफ बोल देता हूँ तो गुड़गांव का माई बाप सब डीएलएफ ही है, ठीक है जी। ऐसा मैं ही नहीं कहता, दुनिया में टंका बज रहा है डीएलएफ का, वो सभी को बताई कि गुड़गांव की ही देन डीएलएफ की है, डीएलएफ ने ही गुड़गांव को बसाया। साइबर सिटी जो आज इतने बड़े लेवल पर हम देखते हैं, जो हमें एहसास होता है डीएलएफ साइबर सिटी में बढ़ने के बाद, हमें ऐसा एहसास होता है कि हम जैसे कि दुबई में आ गए या अमेरिका में आ गए, वो डीएलएफ की ही देन है। तो उसी बिल्डर की मैं विजिट, उसी बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है स्काई कोर्ट, उसकी विजिट करेंगे हम सेक्टर 86 में, जो लोकेटेड है और मेन कनेक्टिविटी रहेगी 84 मीटर रोड से, 84 मीटर का रोड कनेक्ट रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। आइए उसकी साइड विजिट करते हैं और अंदर का एक बार एलिवेशन देखते हैं, और अंदर क्या क्या गार्डन कहाँ पे है, कैसे चीज़ें हैं, कहाँ पे क्लब है, कहाँ पे पूल है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, सैम्पल फ्लैट देखते हैं। आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। ये यहाँ पे बाहर की रोड है, और रोड ऐसी है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ये अंदर की ही रोड है, डीएलएफ की पर्सनल रोड है, इस पर कोई आ जा नहीं सकता है डीएलएफ के अदरवाइज। ये सामने डीएलएफ का क्लब बना हुआ है, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये नर्सरी स्कूल है, ये डीएलएफ के अदर टावर आ जाते हैं, जीएच टावर आ जाते हैं जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये रोड है जिससे हमने अभी सेक्टर 86 राइट लिया था, यहाँ से हमने न्यू टाउन हाइट के आगे जो चौराया पड़ता है वहाँ से राइट लिया था, और डीएलएफ की ये पर्सनल रोड है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं, पर्सनल रोड है। गेट से एंट्री करने के बाद ये हमारा टावर आ जाता है, टावर बी, इसके अंदर अभी हम सैंपल फ्लैट देखेंगे। ये आ जाता है यहाँ पे टावर बी, ये टावर बी है। सबसे पहले यहाँ पे हम लॉबी देखते हैं, ये लॉबी है, काफ़ी बड़ी हाइट की है बी में। ये पूरी लॉबी है टावर के नीचे, प्रत्येक टावर के नीचे ऐसे ही चीज़ें रहेंगी। ये अब चलते हैं सैंपल फ्लैट की ओर। ये यहाँ पे भी एक लॉबी है छोटी सी, ये आ जाते हैं हम लिफ्ट में। यहाँ से लिफ्ट में उतरने के बाद हमारी दो लिफ्ट हैं, एक लिफ्ट ये आ जाती है हमारी, और एक लिफ्ट ये है, और एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं। अभी हम देखते हैं सैंपल फ्लैट, लिफ्ट में उतरते ही राइट हैंड पे ये सैंपल फ्लैट है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं,
ये हमारा लॉबी है, ड्राइंग डाइनिंग, ये डाइनिंग है, ये ड्राइंग रूम है। और सबसे पहले एंट्री करी उससे पहले हमारा राइट हैंड पे आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, ये फर्स्ट बेडरूम विद अटैच टॉयलेट। ये इधर अलमीरा है, यहाँ पे ये यहाँ पे टॉयलेट है, टॉयलेट का काफ़ी अच्छा साइज है यहाँ, ये टॉयलेट आ जाता है। ये अदर एरिया आ जाता है हमारा वॉशरूम, चलते हैं। इसका साइज है 1930 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK। ये हमारा यहाँ पे ड्राइंग रूम के साथ में कॉमन वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है। ये कॉमन वॉशरूम है, ये आ जाती है यहाँ पर किचन। किचन सेम मिलेगी, मॉड्यूलर किचन जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ये चिमनी लगी हुई है यहाँ पे, देखते हैं इसका सेकंड बेडरूम। ये इधर अलमीरा का स्पेस है, बात ये राइट हैंड पे सेकंड बेडरूम आ जाएगा। ये सेकंड बेडरूम है, ये सेकंड बेडरूम, ये बेड है 6x6 का। उसके बाद ये अलमीरा है यहाँ पे, फिर आगे ये स्पेस बच जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है, ये अलमीरा है राइट लेफ्ट हैंड पे जो देख रहे हैं अलमीरा है। ये एंट्री करते हैं, पेसेज एरिया है, और उसके बाद ये आ जाता है हमारा बेडरूम। इसका काफ़ी अच्छा साइज है, 17x12 का ये साइज आ जाता है। ये हमारा 6x6 का बेड है, और दोनों तरफ इसमें काफ़ी एरिया बच जाता है। ये इसके साथ में वॉशरूम आ जाता है, 3 BHK, 1930 स्क्वायर फीट, 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट। ये वॉशरूम है काफी बड़े साइज में। अब देखते हैं लास्ट में हम इसकी बालकनी। ये है चीज़ की बालकनी, और बालकनी इतनी लंबी आप क्रिकेट खेल सकते हो। ये बालकनी है जी, इतनी लंबी बालकनी है। और ये आसपास का, यहाँ से 10वें फ्लोर पे देखते हैं तो आसपास का एलिवेशन है। ये DLF की बिल्डिंग है, सामने जो दिखाई दे रही है DLF है। ये न्यू टाउन हाइट है, सेक्टर 86, सेम सेक्टर के अंदर सामने DLF के विलास बने। ये यहाँ पे अंदर की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि टावर हमने B देखा, फिर A टावर है, ये पूरी चीज़ें हैं। और इसके साथ पे ओपन पार्किंग भी है, और बेसमेंट में पार्किंग भी है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, फैसिलिटीज बढ़ चढ़ के हैं। ये इधर कुछ बच्चों के गेम्स आ जाते हैं, और ये यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जो गार्डन बनाया हुआ है। ये गार्डन है यहाँ पे, गार्डन काफ़ी हैं इसमें।
और अच्छे लेवल के बनाए हुए हैं। ये पूरा गार्डन है यहाँ पे, ये गार्डन है, बैठने के लिए जगह अलग से, जिसको हम गजीबो बोलते हैं वो अलग से है, इधर अलग से है, इधर अलग से जगह जगह बनाए हुए, 1, 2 और इधर 3 और 4 ये बने हुए, और ये गार्डन है। आइए नेक्स्ट गार्डन भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये बच्चों के गेम्स हैं। ये गार्डन का दूसरा गेट है जो हमने देखा, एक गेट यहाँ पे है, एक गेट वहाँ पे है। यदि हम इस इधर टावर से आ रहे हैं तो हम यहाँ से आ जा सकते हैं, अगर ए और बी टावर से आ रहे हैं तो यहाँ से आ जा सकते हैं। गार्डन का एग्जिट एंट्री, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एंट्री एग्जिट, आप कहीं से भी आ जा सकते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। ये बच्चों के गेम्स जैसे ही बताया, यहाँ पे एक गजीबो बनाया हुआ है बैठने का। ये पूरा यहाँ पे एक किड्स प्ले एरिया आ जाता है, ये देख सकते हैं टावर के चारों साइड में, मतलब गार्डन खुला एरिया काफ़ी बढ़ चढ़ के दिया है यहाँ पे। फिर से गजीबो आ जाता है यहाँ पे, गार्डन ही गार्डन गजीबो। ये पूरा गार्डन, इधर पूरा गार्डन है ये, और बैठने के गजीबो हैं। ये जॉगिंग के लिए जगह है, सुबह शाम में आप जॉगिंग कर सकते हो।